أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى في سورة محمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الحديث हाजिरीन ग्रामी ख़वातीन मिल्लत सबसे पहले अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र एहसान है उस रब्बे करीम ने हम तमाम को बहुत ही अहम मौजू बुनियादी मौजू बेसिक टॉपिक जिसके बगैर कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता और आखिरत में आखिरत के मनाजिल में मराहिल में कामयाब नहीं हो सकता वो है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके माने मफहूम तकाजे डिमांड्स शुरूत कंडीशंस हर हर फर्द पर फर्ज आइन है मालूम करना हर हर फर्द बशर पर फर्ज आइन है इंडिविजुअल कंपल्सरी है ये हर हर फर्द बशर को मालूम करना जरूरी है सिर्फ मुसलमान को नहीं हर हर इंसान को। हाजरीन कबल इसके के मेरा जो मौजू है वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के माने और मफहूम इसको लेके आगे बढ़ूं मैं इसकी अहमियत और फजीलत को भी बता देता हूं और आप अहबाब का
यहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल भी करता हूँ कि आप माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ लाए हैं अपने एक फरीज़ा और हक समझकर। और फिर मैं मस्जिद खलीलुल्लाह के ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं, और बेंगलोर दुरूस के तमामी अहबाब कि आपने एक अहम मौजू का इंतखाब और सिलेक्शन किया है। अल्लाह आपकी नियतों को कबूल फरमाए, यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को और दूर दराज से जो लोग लाइव देख रहे हैं उन सब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे पहले अल्लाह ताला हमें इसका मुकम्मल इल्म अता फरमाए और उस पर अमल करके सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हाज़रीन, ये जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि इसका सबूत कहाँ है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद पड़ रहा है बेंगलोर में एक मरतबा एक मसला किसी मुफ्ती की तरफ से चैलेंज के तौर पर आया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक साथ कुरान और हदीस में है, साबित करके दिखाएं। सबसे पहले हमें ताज्जुब है उनके इस फहम पर, क्योंकि सिर्फ फिक की किताब पढ़ेंगे तो अकीदा कहां से आएगा? फिक की किताबों में तो अकीदा होता नहीं है, उसके लिए अकीदे की किताबें पढ़ना है। हदीस की किताबों को तकलीद का चश्मा उतार के पढ़ना है तब जाके समझ में आएगा, और अगर आप हरा चश्मा लगा ले हर चीज आपको हरी नजर आएगी। तो मैं मुनासिब समझा कि आपको सबसे पहले कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबूत दिए देता हूं। अभी मैंने आपके सामने जो आयतें पढ़ी है इनमें सबूत भी हैं और इसकी फजीलत भी है। पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह अंबिया की आयत नंबर 25। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि हर नबी आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर नबी को अल्लाह ताला ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया है। फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल, आए नबी आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजे हैं, इल्ला नूही इलैह, हमने उनकी तरफ इस बात की वही भी की है, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि मेरे अलावा अल्लाह कह रहा है मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, फाबुदून, तो तुम मेरी ही इबादत करो। दूसरी आयत सूरतुन नहल की आयत नंबर 36 है, 30 पर 6, इसमें अल्लाह ताला ने भी वही बात बताया, वलकद बाअथना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, हमने हर उम्मत में रसूल को भेजा और रसूल को हमने पहला पैगाम ही दिया, अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करना और तागूत से बचना। और आज के मौजू का सारा खुलासा यही है, अल्लाह की इबादत तागूत से बचना। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का लुब्बे लुबाब है, खुलासा है, समारी है, अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। ये दोनों बात समझ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम, तकाजे, डिमांड्स, शुरूत सब समझ जाएंगे। अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए। हदीस से दलील ले ले, बुखारी और मुस्लिम की मशहूर रिवायत है, बुनियाल इस्लाम अला खम्स, बच्चे बच्चे को याद है, इसमें शहादा पहला क्या है? शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबूत मिला कि नहीं मिला? ऐसे आपको और भी बेशुमार दलाइल मिल जाएंगे, वक्त नाकाफी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ गवर्नर बनाकर भेजा, दाई और मुबल्लिग बनाकर भेजा। तो एक दाई और मुबल्लिग को सबसे पहले किसकी तबलीग करना नबी ने बता दिया, कहा कि देखो तुम जा रहे हो, यह अहले किताब है, इनको सबसे पहले तुम बुलाओ तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बुलाओ। वहां पर भी मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबूत है।
तो सबसे पहले दावत किसकी होनी चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी की दावत। इसके बगैर दावत और तबलीग का हक अदा नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने सूरह माईदा में फरमाया, अपने रसूल को खिताब करके फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल आपकी तरफ अल्लाह की तरफ से जो नाजिल किया जाता है कुरान और हदीस की तबलीग करो। फइन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर आपने कुरान और हदीस की तबलीग नहीं की तो आपने रिसालत की तबलीग का दावत और तबलीग का हक अदा नहीं किया। तो जो लोग कुरान और हदीस छोड़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ के किसी और की तबलीग पहले करते हैं, तबलीग का हक अदा हुआ? नहीं हुआ। और दूसरी बात, कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ये आम लोगों का कलीमा है, आम लोगों का कलीमा है। जो अल्लाह के वली बन जाते हैं ना, उनके लिए शॉर्ट हो जाता। क्या हो जाता? शॉर्ट। कैसे? सिर्फ छोटा वली है तो क्या होगा उसके लिए? इल्लल्लाह, ला इला निकल गया, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? उसी में तो असल शिर्क है ना, तो शिर्क नहीं छोड़ेंगे वो। इल्लल्लाह उससे भी जरा बड़े सरकार हो गए तो क्या करना? इल्ला निकल जाता। अब क्या होता? सिर्फ अल्लाहु 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 बोलना। उससे भी बड़े सरकार हो गए तो क्या बोलना है? अब अल्लाह निकल जाता तो सिर्फ हु याहू 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 बोलते हैं। और अगर उससे भी बड़े सरकार हो गए, अब वो तो जरूरत ही नहीं है, वो अल्लाह के साथ मिल गया। अब नाउज़ुबिल्लाह, यहां देखो अल्लाह ने क्या फरमाया, हर नबी को हमने कहा, हर नबी के नबी से बढ़के हैं ये लोग, हर नबी से हमने कहा ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। और आखिरी नबी से भी अल्लाह ने फरमाया, और सूरह का नाम भी नबी से ही है, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19 अल्लाह ने फरमाया, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ नबी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। ऐ नबी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान से भी है। कभी आपने सोचा है? हम सोचते ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे को तो रट्टा मारते याद कराते हैं ना, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हाँ, बच्चे को याद कराते हैं, टनाटन जो है कलीमा याद करा देते। कितने? पांच कलीमा याद कर लिए तो पक्का मुसलमान। पांच कलीमा आता नहीं? आता, मुसलमान नहीं। इस्लाम के कलीमे कितने हैं भाई? हाँ, मेरे क्लास में जो अटेंड किया वो बोलना नहीं है। इस्लाम के कलीमा पांच है? नहीं। अरे भाई, 5G का जमाना है, हम लोग जरा एक कदम आगे रहना है। 6 कलीमा है? नहीं, शश कलीमा, पंच कलीमा पहले था वो पुराने जमाने में। ये बूढ़े लोग है ना, बुजुर्ग लोग, ये लोग, माफ करना बूढ़े बोल दिया, बुजुर्ग लोग, हाँ तो बुजुर्ग लोग है ना, ये लोग पढ़ते थे क्या है? पांच कलीमा है। अभी जो है जमाना 4G से 5G में आ गया है, हम लोग और बढ़ा लेंगे, अभी 6 कलीमा हो गया। 6 कलीमा आपने नहीं पढ़ा है, मुसलमान नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, इस्लाम का कलीमा एक ही है। उसका मतलब ये नहीं कि हम दीगर कलीमे को मानते नहीं है, लेकिन कलीमे के तौर पर नहीं है, जिक्र अस्कार दुआ के तौर पर पढ़ते हैं। उसी के बाद कौन सा कलीमा पढ़ते हो? है ना, दूसरा कलीमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पढ़ते पढ़ते हैं अल्लाह मजअली मिन तवाबीन वजअली मिन मुत्तहिन, उससे पहले है दूसरा कलीमा है। 100 गिनती करने के बाद 99 होने के बाद आखिर में वो भी एक कलीमा है। फजर के बाद जो 100 मार पढ़ना वो भी कलीमा है जो लोगों ने बनाया है। लेकिन इस्लाम ने जिसको कलीमा कहा है वो कलीमा तय्यबा। अब उठाओ सूरह इब्राहिम में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया आयत नंबर 24 में, अलम तरा कैफ दरब अल्लाहु कलिमतन तय्यबा, कलिमा तय्यबा, कुरान ने इस्लाम ने इसको कहा कलिमा तय्यबा, ए कलिमा तय्यबा, ए कलिमा तौहीद है। अल्लाह ने उसकी मिसाल कैसे मिसाल दी है? शजरतिन तय्यबा, पाकीजा दरख्त की तरह है, असलुहा साबित, उसकी जड़े मजबूत हैं, और फरुहा फिस्समा, उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं। बेहतरीन मिसाल है। आपके सामने अगर मैं सिर्फ इस कलीमे की इस मिसाल की तशरीह करूं तो मेरे लिए एक घंटा ना काफी है, सिर्फ इसकी तशरीह करूं तो।
कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह उतना आसान नहीं है आपको कि एक दो घंटे में आपको समझा दें, आपको इसके लिए महीनों नहीं सालों साल क्लास करना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आए। उसका मतलब ये भी नहीं मैं आपको डरा रहा हूं कि भाई क्या होगा, फिर शैतान पे डालता दिमाग में, हर दो घंटे में क्या होगा, चलो चलते नहीं, जो भी हो आहिस्ता आहिस्ता हक अदा करें। जैसे आज ला इलाहा इल्लल्लाह पे हुआ, फिर कभी इंशाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके और भी चीजों पर लेकर जाएंगे, जैसे रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफात, ये सारी चीजें, फिर इसके जो तकाजे को मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कलिमा क्या है, एक नबी की जबानी भी आपको साबित कर देते हैं। सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जब इंतकाल कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाकर उन्होंने कहा, चचा जान एक कलिमा पढ़ दो, अगर आप पढ़ दोगे मैं अल्लाह के पास आपकी सिफारिश कर लूंगा। और ये भी याद रखो, कुछ लोग कहते कुछ भी करो, आखिरी नबी की उम्मत है ना, सिफारिश करके पार कर लेंगे। किसने कहा? वाह रे वाह, सिर्फ नमाज जबानी दावे से ही। अबू तालिब नबी से टूट के मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से बढ़ के मोहब्बत करते थे, नजात पाए। अबू तालिब के सामने नबी ने फरमाया, चचा एक कलीमा पढ़ दो तो ही मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूं, वरना नहीं। क्योंकि अबू हुरैरा से रिवायत है, भी सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मेरी सिफारिश के हकदार कयामत के मैदान में कौन है, असअदुन नास बिशफाअति यौमल कयामा मन अकर बितौहीद। बुखारी की हदीस है भी, जो तौहीद का इकरार करेगा वही मेरी सिफारिश का हकदार होगा। लिहाजा चचा जान अब पढ़ दो। और वहां पर उन्होंने कलीमा का लफ्ज का कहा, चचा जान कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन वहाज्जु बिहा इंदल्लाह। कलिमा का कलिमतन वहाज्जु बिहा इंदल्लाह, ये कलिमा है, इसके जरिए से मैं अल्लाह ताला के पास आपकी सिफारिश कर लूंगा। अगर ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तौहीद परस नहीं है, शिर्क में हो तो याद रखो नबी की सिफारिश तो दूर की बात है, आपको नबी कहेंगे गले में गर्दन पे हाथ रखकर धक्का मार मार के भगा दो। बिदाती खुलाफी को और मुश्रिक को अल्लाह के रसूल कहेंगे। हाजरीन, तो ये जो लोग कहते हैं कि कलीमा शॉर्ट हो गया है, या हो नबी से कहा जा रहा, हर नबी से कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम से बुखारी की हदीस है भी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे एक ऐसा जिक्र दे जो अफजल जिक्र है, सबसे बेहतरीन जिक्र हो। अल्लाह ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो सब पढ़ते हैं अल्लाह के, अल्लाह ताला मुझे कोई और दे। अल्लाह ने कहा कि मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पल्ले में रख दो और सारी चीजों को, सारी दुनिया के नेकियों को एक पल्ले में रख दो, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी फजीलत, इसकी अहमियत आपको मैं अब क्या क्या बताऊं। एक इंसान पर पहला वाजिब जो आयद होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी वाजिब भी ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब बोलना सीखे उसको अल्लाह सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। और मरते वक्त नबी ने फरमाया, मन का ना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। आखिरी कलाम भी यही है, आखिरी वाजिब, पहला वाजिब यही इंसान पर आयद होता है, इसके बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता है। इसी तरह से मेरे भाइयों, यही ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलिमाए तौहीद, इसी के लिए अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया। जब तक ये तौहीद रहेगी ये दुनिया बाकी रहेगी, तौहीद खत्म दुनिया खत्म। अल्लाह ने इसी तौहीद के लिए, ये कलिमा है ना, इसी कलिमा तौहीद के तकाजे के लिए ही सारी कायनात, इंस और जिन्नात को पैदा फरमाया। तौहीद खत्म दुनिया खत्म, दलील ले लीजिए। अल्लाह ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने कायनात इंस और जिन्नात को पैदा किया इसीलिए ताकि वो मेरी इबादत करें। और इब्ने कसीर के हवाले से इब्ने अब्बास फरमाते हैं, लियअबुदून ऐ लियुवहिदून। ये उसूली बात याद रखिए, कुरान में जहां जहां पर भी इबादत का लफ्ज है उसका मतलब तौहीद के साथ इबादत है। ये उसूली बात याद रखो, हाँ, तो लियअबुदून लियुवहिदून। तो इंसान कायनात, इंस और जिन्नात को, सारी कायनात को अल्लाह ने
पैदा किया तौहीद के लिए। इसी तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने सारे नबियों को भेजा, सारे नबियों को इसी के लिए भेजा। अभी आपने मालूम किया सूरह नहल आयत नंबर 36 में, वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इबदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत ने रसूल भेजा, कहा कि अल्लाह की इबादत करो तागूत से बच जाओ। और ये तौहीद जब तक है दुनिया तब तक है। नबी ने हदीस में क्या फरमाया, ला तकुमुस्साअ हत्ता युकाला फिल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक रूए जमीन पर एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हो। जब रूए जमीन से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, अब अल्लाह ताला कयामत कायम करेगा, दुनिया खत्म। तौहीद की वजह से दुनिया है, तौहीद परस्तों की वजह से अल्लाह ने दुनिया को रखा है। तौहीद परस्तों का शुक्र मनाया करो कि ये जहां है उसी की वजह से दुनिया कायम है। हजरीन, ये जो तौहीद है और इसी तौहीद के खातिर अल्लाह ताला ने हम सबको दुनिया में भेजा है, यही असल मकसद है। और अगर हम इस तौहीद को ना अपनाएं तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इसी तौहीद के लिए हमें अपना वक्त सर्व करना है, और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि हमने वाकई माने में इस कलिमे का हक अदा किया या नहीं किया। हाजरीन, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 में अल्लाह ने क्या फरमाया, अपने नबी से फरमाया, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ नबी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। तो क्या नबी को इल्म नहीं था? कभी आपने सोचा क्या नबी को इल्म नहीं था? क्यों अल्लाह ने कहा फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह? मतलब यह है कि इस कलीमे के तकाजे और डिमांड्स पर अमल करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो और तकाजे उसके डिमांड्स पर अमल किया करो। अरब के लोगों के सामने जब एक कलिमा रखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, वो नहीं पढ़े, इसके लिए मुखालफतें हुई, दुश्मनियां हुई, जंगे हुई, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने तैयार नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि वो अरबी जानते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या मतलब है उनको पता था, और उन्होंने उसकी सही तशरीह भी की। क्या कहा अरब के लोगों के सामने जब रखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, उन्होंने क्या कहा, अजअलतल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हादा ला शयुन उजाब, उनको समझ में आया क्योंकि उनको अरबी आती थी। कहा कि तुमने सारे माबूदान बातिला को खत्म करके एक माबूद बना दिया है। काफिर को समझ में आया, लेकिन आज के मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? हमें अरबी नहीं आती है, अरबी नहीं आती, इसलिए अजअलतल आलिहता इलाहन वाहिदा, उन्होंने ये समझा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने का मतलब होता है सारे माबूदान बातिला का इनकार करो, एक माबूदे बरहक का इकरार करो, यही असल मकसद है। और जब नबी से कहा गया फालम इल्म हासिल करो, हमें और आपको तो कितना इल्म हासिल करना, बोलो हाँ। हम समझते हैं तर्जुमा पढ़ लिया ना, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, खत्म। नहीं मेरे भाइयों, इतना कहने से नहीं होता है। एक साहब जो बेहतरीन मुकर्रर हैं पड़ोसी मुल्क का, जिनके लोग बहुत फैन फॉलोअर्स हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर बयान कर रहे थे। क्या पता है, ला इलाहा, ला की तलवार चली, ला मतलब अर्श, ला सातवा आसमान, ला छठा आसमान, ला पांचवा आसमान, ला चौथा आसमान, ला तीसरा आसमान, ला दूसरा आसमान, ला पहला आसमान, ला जमीन, ला फिजा, ला कायनात, ला जन्नात, ला इंसान, ला हैवानात, ला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है तो अल्लाह है। नारे तकबीर नहीं लगाते आप लोग? हाँ, क्या तशरीह बयान करे हजरत, माशाल्लाह। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कैसे गुमराह कर रहा है। नबी ने फरमाया मुझे डर है कि आखिर जमाने में खुताबा खिताब करने वाले, बयान देने वाले बहुत आएंगे, उलामा कम हो जाएंगे। हर स्टेज पे आके बेहतरीन बात करने वाला आलिम नहीं होता है, याद रखो। हाँ, और नबी ने भी फरमाया कि मुझे डर है आइम्मतल मुदल्लीन, ऐसे इमाम और ऐसे लीडर और ऐसे उलामा आएंगे जो लोगों को गुमराह करेंगे। हाँ, उलामाए सू भी है, उलामाए अच्छे भी हैं। अब ये ला का तर्जुमा समझा रहे हैं,
आइए मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के माने पहले समझाता हूं। हाँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये जरूरी है इसके मफहूम को समझने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम समझने के लिए बहुत जरूरी है। और अल्लाह करे आप समझ जाएं, ये बहुत बुनियादी बात है। इतना आपने समझ लिया तो पूरा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह मुस्तान। हाज़रीन, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको मैं लिखता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। बड़ा लिखता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये बता रहा था ना, जो लोग कहते हैं कि आम लोगों का है तो आम लोगों में से क्या हो जाएगा, उनका ला इलाहा इल्ला निकल जाता है, सिर्फ जो है इल्लल्लाह, फिर उसके बाद ये शॉर्ट हो गया अल्लाहु, अल्लाह निकल गया तो सिर्फ हु, हाँ इतना रहता कहते। अब आइए, इस कलीमे के दो अरकान हैं, इस कलीमे के दो अरकान हैं। रुकन और अरकान के माने पहले आप समझें। रुकन के माने होता है पिल्लर, रुकन के माने पिल्लर, ये बिल्डिंग कायम है पिल्लरों पर। तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के दो पिल्लर है, दो पिल्लर है, और इन दो पिल्लर्स का जानना बहुत जरूरी है। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने रुकन है, दो रुकन है। यहां से इसको पार्ट कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है, जरा डार्क चाहिए, ब्लैक से लिखूं, हाँ ब्लैक से डार्क आएगा। हाँ ये डार्क है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, सॉरी तो इसके दो पार्ट हैं, एक है ला इलाहा और दूसरा है इल्लल्लाह। इन दोनों का समझना बहुत जरूरी है। ला इलाहा ये फर्स्ट पार्ट है, इल्लल्लाह सेकंड पार्ट है। ये दो इसके पिल्लर्स हैं, अरकान हैं, अरकान है, पिल्लर है। ये पहला है ला इलाहा, दूसरा है इल्लल्लाह। तो सबसे पहले हमें समझना कि ला के माने क्या है। ला, ला के माने क्या है, नहीं हुआ। ला के माने हाँ, कोई नहीं, सिर्फ नहीं नहीं, क्योंकि ये ला नफी जिन्स है। ये ला अरबी जबान में ला कई तरह के हैं, तो उस ये जो ला है इसको कहते हैं ये ला नफी जिन्स है। कोई नहीं, एक होता है आप इंग्लिश में कहते हैं कि नो, नहीं, नॉट या नो, और आप कहते हैं कि नन। नन का मतलब क्या है, हा कोई नहीं। नो और नन में फर्क है ना, तो ऐसे ही जो है ला ला में फर्क है। ला इलाहा तर्जुमा क्या करते है? नहीं है कोई। कोई का तर्जुमा कहां से आया, कोई का तर्जुमा ये ला से आया। तो ला नफी जिन्स है, उसका मतलब है कोई नहीं। क्या कोई नहीं, इलाह। अब हमें इलाह समझना है, इलाह के माने क्या है। इलाह को समझाने से पहले मैं एक सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि मेरे आमतौर से क्लास का अंदाज थोड़ा अलग होता है और आम जो बयान देता हूं उसका अंदाज अलग होता है, उसमें जरा तूफानी अंदाज होता है, मैं बहुत फास्ट बोलता हूं।
इसमें थोड़ा स्लो और सवाल का अंदाज होता है मेरा, मैं ज्यादा क्वेश्चन करता हूँ आपको, स्टूडेंट्स को। आप तो स्टूडेंट्स नहीं है, आप तो हमारे भाई हैं। तो बहरहाल अल्लाह के माने क्या है, जो मेरे क्लास अटेंड किया वो बोलना नहीं है, अल्लाह के माने क्या है। हम और आप मुसलमान हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के एक्चुअल लफ्ज अल्लाह, वर्ड अल्लाह है ना, एक होता है आप कहते हैं कि रब, खालिक, मालिक, खालिक पैदा करने वाला, मालिक मालिक है, रब पालनहार है, ऐसे करीम करम करने वाला, रहमान रहम करने वाला। अल्लाह, ये जो लफ्ज अल्लाह है ना, इसके माने क्या है? नहीं, और बोलिए, ला अल्लाह, थोड़ा करीब करीब है, महबूदे बारा करीब करीब है। गॉड याद रखिए, अल्लाह का किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। गॉड आमतौर से किसके लिए आता है मालूम है? जी ओ डी है ना, जी स्टैंड जनरेटर, ओ स्टैंड स्टैंड्स ऑपरेटर, डी स्टैंड्स डिस्ट्रॉयर, ये आपको मालूम होना चाहिए। जी स्टैंड्स जनरेटर, जिसने पैदा किया, खालिक, ओ स्टैंड्स ऑपरेटर, जिसने ऑपरेट, जो दुनिया को ऑपरेट करता है, सिस्टम ऑपरेट करता है, ऑपरेटर। डी एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा, कि अल्लाह के अंदर सिर्फ इतना ही माना है? नहीं, तो गॉड अब कहते हैं खुदा, अल्लाह का माना नहीं हो सकता। खुदा के माने जो खुद से आया है, आया है का मतलब क्या हुआ? आप यहां कब आए? सो मगरिब में नहीं, असर में थे? फिर नहीं थे। तो जो आया है पहले नहीं था, नौसिबिल्ला। अगर आप अल्लाह को कहेंगे खुदा, जो खुद से आया तो पहले नहीं था, इसलिए लफ्ज नहीं बोलना अल्लाह के लिए। अब बाकी तो जो है लफ्ज अल्लाह के एक्चुअल माना अब समझिए। लफ्ज अल्लाह को समझना, इला समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा करीब ला लेता हूं मैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के माने बोली? नहीं है कोई हकीकी माबूद, माबूद बरहक। इंग्लिश में आमतौर से क्या बोलते हैं? देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, बोलते नहीं बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ये सही है? सही नहीं है। हाँ, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह नहीं, बल्कि सही तर्जुमा ये करना है, देयर इज नन वर्दी टू बी वर्शिप इन ट्रूथ एक्सेप्ट अल्लाह। याद रखिए, हम लोग के इंग्लिश बहुत कमजोर है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं, कुछ गलत हो तो आप पिछला कर सकते हैं। देयर इज नन, कोई नहीं, ला इला, क्या कोई नहीं है? अब कहते देयर इज नो गॉड, देयर इज सो मेनी गॉड, है कि नहीं है? कितने, इतने गली में, वो गली में जाओ, कितने गॉड आपको मिलेंगे? देयर इज नो, देयर इज नन वर्दी टू बी वर्शिप इन ट्रूथ, हकीकी माने में माबूद बराक एक्सेप्ट अल्लाह। तो इलाह के माने होता है इबादत के हकदार। इलाह के माने क्या है? इबादत के हकदार। आप इलाह समझ जाएंगे, सारे ला इला इल्लल्लाह का मतलब समझ जाएंगे और उसके तकाजे भी समझ जाएंगे। इलाह के माने इबादत के हकदार, वर्दी ऑफ वर्शिप्स, वर्दी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्शिप, वो बाद में आ रहा है। इलाह के माने वर्दी ऑफ वर्शिप, इबादत के हकदार। हा, तो ला इला नहीं है कोई इबादत के हकदार, देयर इज नन वर्दी टू बी वर्शिप। ठीक है, समझ में आया तक? ये पहला पार्ट है। दूसरा, इल्ला एक्सेप्ट सिवाय अल्लाह, अल्लाह कैसे बना, ये लफ्ज कैसे बना, ये पहले आपको देखना है। इला से ही अल्लाह बना, कैसे बना है? अरबी जबान में ये अल है ना, अलिफ लाम, अलिफ लाम तकरीबन 10 मानों में इस्तेमाल होता है। अरबी जबान में अलिफ लाम 10 मानों में इस्तेमाल होता है। उसमें से एक माना है किसी चीज को पर्टिकुलर, खास करना, किसी चीज को खास करना है तो इस्तेमाल होता है अल। जैसे आप कहते हैं बुक, तो एनी बुक। आप कहना चाहते हैं द बुक, तो पर्टिकुलर एक बुक है ना,
तो अरबी में कहेंगे अल किताब, किताबुन एनी बुक, अल किताब द बुक। तो अल इस्तेमाल होता खास करने के लिए। अलिफ लाम का दूसरा माना एक तख़सीस और दूसरा है इस्तेगराक। जो अरबी ग्रामर पढ़ते हो पढ़े होंगे इस्तेगराक। इस्तेगराक का मतलब होता है सारे चीजों को अपने अंदर समो लेना। गर्क के माने डूबना, डूबना, गर्क से इस्तेगराक, यानी एक चीज अंदर चला जाए, डूब जाए तो पूरा पूरा अंदर चला जाता है ना, इसलिए कहते हैं, यानी किसी चीज को पूरा लेना। आप अल्हम्दु तर्जुमा क्या करते हो? अल्हम्दु बोली, ऑल कहां से आया? ऑल कहां से आया? तमाम तारीफें बोलते ना, ये तमाम ये ऑल कहां से आया? ये अल के अंदर है तमाम इस्तगराक। तमाम अच्छी और सच्ची तारीफें, ये अच्छी और सच्ची यानी खास, ये अल के अंदर आया। खास माना होता है और सारे माना इसके अंदर आता है। अब आओ ये दो चीजें दिमाग में रखो, एक ऑल का माना और एक खास का माना। हा? इला से ही अल्लाह बना है, ये जो लिला है इलाहुन। अरबी ग्रामर का कायदा यही है कि अगर उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है तो आखिर में तनवीन आएगी, अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन निकल जाती है। हा? इस पर हमने क्या किया, इस पे अलिफ लाम दाखिल किया है, देखो अल्लाह बन जाएगा। चूंकि यहां पर शुरू में अलिफ है इसलिए इस अलिफ की जरूरत नहीं है। अल्लाह बना, अल्लाह कैसे बना? इला से ही अल्लाह बना। कैसे बना? लफ्ज इला पर अलिफ लाम ऐड करके। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लफ्ज इला पर ही अलिफ लाम ऐड करने से अल्लाह बना है। बना कि नहीं बना है? मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जरूरी है, ग्रामर के जरिए से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो इला जो था कोई नहीं, ये जनरल है ना। इला पर अलिफ लाम जब हमने दाखिल कर दिया तो दा का माना आया कि नहीं आया? खास माना आ गया। ऑल का माना आया कि नहीं आया? क्योंकि अब देखो अल्लाह के माने क्या होगा, हर तरह की इबादत और बंदगी के खास हकदार। ये हर तरह और खास कहां से आया? अलिफ लाम से आया, अल अल, सिर्फ अल से आया। देखो उतना ऐसे नहीं है, एक एक लफ्ज जो अरबी जबान के काफी गहरा माना रखता है। अल ये हर तरह के माने दे रहा है, ऑल तमाम, हर तरह की, ऑल काइंड्स ऑफ वर्शिप्स, और इसका खास हकदार कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह के माने हुआ हर तरह की इबादत और बंदगी का खास हकदार है। हर तरह की इबादत और बंदगी के पर्टिकुलर एक हकदार को अल्लाह कहा जाता है। बस समझ भाई, लफ्ज अल्लाह को समझ जाएगा, पूरा समझ गया तो इससे क्या मालूम हुआ कि सारी इबादत और बंदगियां सिर्फ अल्लाह का हक है। अल्लाह का सिर्फ एक ही हक है, वह है अल्लाह की इबादत हो। और ये हमें लफ्ज अल्लाह खुद बता रहा है, लफ्ज अल्लाह खुद बता रहा है कि हर तरह की इबादत और बंदगी का हकदार कौन है? खास हकदार अल्लाह है। क्यों? अल्लाह माना ही वही रखता है। अब बताओ अल्लाह ये नाम किसी और का है? किसी का नहीं है। तो ला इला कोई इबादत के हकदार हो नहीं सकता। यहां तक समझ में आया? कोई परेशानी किसी को है? अब आइए, इसके अरकान दो हैं, पहला पाठ दूसरा पाठ। पहले पाठ में क्या है? इनकार है। पहले पाठ में इनकार यानी रिजेक्शन, रिजेक्ट करना है ला इला। इसमें क्या है? इनकार। क्या इनकार? इनकार शिर्क। इसमें क्या है? रिजेक्ट है, आपको रिजेक्ट करना है, रिजेक्शन। इसमें आपको रिजेक्ट करना है। किस चीज को रिजेक्ट करना है? आपको रिजेक्ट करना है कि शिर्क को इनकार। पहले पार्ट में इनकार है। किस चीज का इनकार? शिर्क का इनकार। और इसी को कहा गया वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इबदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वजतनिबु तागूत, तागूत से बचो। तागूत क्या है? शिर्क। तागूत की काफी तफसीलात हैं और शायद इसमें
शुरूत में ये बात आना चाहिए, क्योंकि अहले इल्म ने आमतौर से सात शर्तें मशहूर हैं। अभी कुछ जदीद किताबों में आठवीं शर्त आ रही है, वो है कुफर बित तागूत, तागूत का इनकार करना, तो उसमें इंशाल्लाह आना चाहिए तागूत। तो ला इला, सबसे पहले शिर्क का इनकार करो, पहला काम यही करना, शिर्क को दिल से निकालो। क्यों? शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत कबूल होगी? जब आपने वो किया ही नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। पहले पार्ट में पहले कामयाब बनो। मिसाल के तौर पर आप यहां कुछ पिकाना चाहते हैं और घास फूस पत्थर ये वो सब कुछ है, आके आपने चारा डाल दिया दाना डाल दिया तो पिक जाएगा? क्या करना? पहले साफ करना, पहले पाक साफ करना है। पाक साफ करके उसके बाद दाना डालो तो फसलें उगेंगी। तो पहले दिल को साफ करो, किससे? हर तरह के शिर्क बिदात खुराफात, सारे माबूदाने बातिला का इनकार करो। पहले सबका इनकार करो। दूसरे पार्ट में क्या है? इकरारे तौहीद, इकरारे तौहीद, इनकारे शिर्क, इकरारे तौहीद। सब शिर्क, शिर्क के मजाहिर सबका पहले इनकार कर दो। ला हम नहीं मानते, इल्लल्लाह मगर एक अल्लाह को मानते हैं। सबका इनकार, एक अल्लाह का इकरार, पहले में इनकार है दूसरे में इकरार है। अब आओ, अगर कोई बंदा सिर्फ कलीमे के इस पार्ट को मानता है, वो कहता ला इलाह, कोई माबूद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह इवन अल्लाह भी नहीं, कुछ लोग मानते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? एथियस्ट, नास्तिक, मुल्हिद। हा? सिर्फ इसको मानने वाला क्या होगा? मुल्हिद, एथिस्ट, नास्तिक हुआ। अगर कोई कलीमे का सिर्फ ये पार्ट मानता है, कहता है सब अल्लाह, जितने शंकर जितने कंकर उतने, यानी सब अल्लाह है, तो क्या होगा? वो मुशरिक, अल्लाह की भी इबादत करता है, गैरुल्लाह की भी करता है। कोई इसको मानता है तो होगा मुशरिक, सिर्फ उसको माना तो मुल्हिद, कोई माबूद नहीं, किसी को नहीं मानता मैं, क्या होगा? मुल्हिद। सबको मानता हूं मैं, सबको मानता हूं, अल्लाह भी रब है, अल्लाह की इबादत करता हूं, गैरुल्लाह की इबादत करता हूं, गैरुल्लाह की भी इबादत करता हूं। और इबादत क्या क्या है? जैसे रुकू करना, सजदा करना, दुआ करना, फरियाद करना, नजर नियाज करना, जबा करना, कुर्बानी करना, तवक्कुल करना, भरोसा करना, नियत करना, तवाफ करना, ये सारी बातें इबादत हैं। अल्लाह के लिए भी करता हूं तवाफ, हज को गए तो तवाफ, काबे का भी करता हूं, कब्र का भी तवाफ करता हूं, पीर का भी तवाफ करता हूं, पत्थर का भी, दरख्त का भी तवाफ करता हूं, तो क्या होगा? वो मुशरिक। जो सबका इनकार करके, सबका इनकार करके एक का इकरार करता है, दोनों पार्ट पर अमल करता है, वो होगा मोमिन, वो होगा मोमिन। मोमिन कौन होता है? अगर सिर्फ इसको माना तो मुल्हिद, इसको माना तो मुशरिक, इसका सबसे पहले इनकार किया फिर उसके बाद इसका इकरार किया। जो इनकार और इकरार दोनों को करता है, इन दोनों का मिलाने वाला मोमिन। हमें क्या करना है? मोमिन बनना है ना, उसको मुवाहिद भी बोलते, तौहीद परस्त वही है। तौहीद का मतलब होता एक, बोलते हैं ना, क्यों एक है? इसलिए कि असल में देखा जाए तो तौहीद कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह ताला अल्लाह एक नहीं, तर्जुमा करना, एक तो बहुत सारी चीजें हैं, सूरज भी एक है, चांद भी एक है, अल्लाह ताला अकेला है, यूनिक है। इंग्लिश में कहेंगे तो आप यूनिक कहिए या सिंगल बोलिए, सिंगल, हाँ ये सही तर्जुमा है उसका। अब देखो, सब का इकरार इनकार करके सिंगल का इकरार करना, यही तौहीद है। सिंगल का इकरार करना और सब का इनकार करना, ये तौहीद। और तौहीद का मानने वाला क्या होता है? मुवाहिद, ये तौहीद है। ये इस कलीमे का एक्चुअल माना और मफहूम है, कलीमे का एक्चुअल माना और मफहूम है। इसके दो पार्ट है, दो अरकान है। अगर कोई इस तरह का नहीं मानता है तो याद रखो वो सही नहीं हो सकता। बहुत सारे जो गुमराह फिरके हैं आप इसमें देख सकते हैं, यहां पर
ये हमने बहुत पहले बनाया था, ला इलाह इल्लल्लाह लफ्ज़े अल्लाह, पेज नंबर 2 में है। देखो पेज नंबर 2 में सेंटर में है ब्लू कलर में। लफ्ज़े इलाह के माने की तायीन में अहले क़िबला ने इख्तिलाफ किया है और वो इस तरह है, जहमी, मोतज़िली, जहमिया, मोतज़िला, अशाइरा, मातुरीदी, ये सारे के सारे लोग क्या कहते हैं, इलाह के माने खालिक, राज़िक, मुदब्बिर, जो इतने ए फिरके वाले हैं ना, इलाह के माने क्या बोलते हैं, खालिक, मालिक, मतलब कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई मुदब्बिर नहीं, इलाह नहीं आया, कोई इबादत के हकदार नहीं, वो नहीं आ रहा, मतलब दूसरों की इबादत कर लोगे तो भी चलेगा, नाउस बिल्ला। अब बताओ इनका अकीदा सही हो सकता है? इसी तरह से जो लोग खवारिज हैं वो कहते हैं कि इसके इला के माने हाकिम, फैसला करने वाला, इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया, तौहीद के एक और किस्म तौहीद हाकिमियत निकाला है। ये गलत है, याद रखो ऐसे कुछ नहीं है, इला के माने हाकिम नहीं है, इबादत के हकदार हैं, और ये तमाम माने गलत है। सही माना यही है कि इन तमाम मानों में वही माना सही है जो अहले सुन्नत और जमात ने बयान किया है, कुरान करीम में उस माने की तायद होती है, और वो है इबादत के हकदार, माबूदे बरहक, यही होता है कि हकीकी माबूद। तो इला के माने हकीकी माबूद, इबादत के हकदार, और अल्लाह अलिफ लाम ऐड करके तमाम इबादत खास हकदार, ये माना इसके अंदर आ रहा है। हाजरीन, मेरे ख्याल से कलिमाए ला इलाहा इल्लल्लाह के माने और मफहूम को मैंने आपके सामने रख दिया है, समझा दिया। अब आइए इसके मेरे मौजू का दूसरा पार्ट है, इसके तकाजे हैं, तो तकाजे को मैं बयान कर देता हूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा एक हद तक। आप उसी पेज नंबर 2 में देखेंगे तो तौहीद के अरकान देखिए, नफी और इस्बात हैं। हाँ, ब्लू कलर के बाद रेड कलर में नफी के माने वही इनकार, नेगेटिव करना, और इस्बात के माने उसको इकरार करना, साबित करना है, और उस सिलसिले में काफी तफसीलात दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कलिमा तौहीद की शर्तें ये शेख इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अब मैं आपके सामने तकाजे रखता हूँ, पेज नंबर 4 से देखो तकाजे हैं, पेज नंबर 4 से तकाजे हैं। तकाजे का मतलब होता डिमांड्स, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। डिमांड क्या है, ये कलीमा हमसे क्या डिमांड कर रहा है, आप बोलो, बहुत सिंपल बात है। कलीमा माने मफहूम आप समझ लिया ना, तो कलीमा हमसे क्या डिमांड कर रहा है, आप ही बोलिए, आपने अब तक क्या समझा है, कलीमा हमसे क्या मांग रहा है, वो भी आधा छुआ। शिर्क से बचकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, पहले उससे बचो भाई, वही सबसे अहम है, शिर्क से बचो, शिर्क से डरो। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने किताबु तौहीद लिखी, तो पहले शिर्क से डर, शिर्क से बचना। इमाम अहले तौहीद जो सारे अंबिया के इमाम हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे को बसाते हुए, मक्के को आबाद करते हुए जो सबसे पहले दुआ मांगे हैं वो यही है कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे घर वालों को शिर्क से बचा ले। वजनुबनी व बनिग्या अन्नाबुदल असनाम, शिर्क से पहले बचो। इस्लाम ये नहीं कहता है, और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, कि इस्लाम ये नहीं कहता है कि भाई सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इस्लाम ये कहता है शिर्क से बचकर अल्लाह की इबादत करो। शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत काबिले कबूल नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 88, सूरतुल अनआम आयत नंबर 88 से पहले 18 जलीलुल कदर नबियों का तस्किरा किया। उसके बाद नबी अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अनहुम मा कानू यअमलून, अगर ये 18 नबी भी शिर्क करते उनके सारे अमाल बर्बाद हो गए होते। शिर्क कर दिए, कुछ भी काबिले कबूल नहीं है। पहले हमें शिर्क से बचना है, तभी अल्लाह के पास अल्लाह की इबादतें काबिले कबूल होंगी। तो शिर्क से बचकर अल्लाह की इबादत करो, ये इस्लाम कहता है। अल्लाह की इबादत कर रहे हो शिर्क के साथ, क्या फायदा है? शिर्क भी है, इबादत भी है, फायदा होगा? नहीं होगा। और इबादतों में तरीका नबी का अपनाओ, इबादतों में तरीका नबी का अपनाओगे तो वो है सुन्नत।
नबी के तरीके से हट के करोगे इबादत तो बिदात। यह है तौहीद, शिर्क, सुन्नत और बिदात का खुलासा। समझ में आया आपको? यह बहुत शॉर्ट फलसफा है, बहुत ईजी है। शिर्क से बचकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, यह तौहीद। अल्लाह की इबादत में किसी को जरा बराबर भी शरीक कर लिया, शिर्क कबूल नहीं। अब इबादत तो शिर्क से बच के कर रहे हैं, लेकिन तरीका नबी का नहीं है। नबी के तरीके पर करो सुन्नत, नबी के तरीके से हट के करो तो बिदात है। इसीलिए वो तीन सहाबा इकराम, जैसे मुस्लिम की हदीस है ना, तीन सहाबा इकराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछे कि बताइए नबी की इबादतों का हाल क्या है। उन्होंने बताया, इन लोगों ने कहा अन्नहुम तकाल्लुहा, अपनी इबादतों को बहुत कम समझा। उन्होंने कहा आईना नहनु मिन रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के मुकाबले में हमारा क्या हाल है, हम तो बहुत गुनहगार हैं। नबी जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, फिर भी इतनी इबादत करते हैं, हमें तो और करना चाहिए। उनमें से एक ने कहा मैं कभी रात में नहीं सोऊंगा, सारी रात इबादत करूंगा। एक ने कहा कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। और एक ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ है। इन्होंने इबादत का इरादा क्या नहीं किया? ये सब सहाबा थे, उनकी नीयत अच्छी थी कि नहीं थी? कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमारी नीयत अच्छी है। बेहया बेपर्दा कोई औरत जाती है बाहर तो कहते हैं भाई पर्दा करो, या औरतों से शेकन मत करो, शेकन मत करो, तो तुम्हारी नीयत गलत है, हमारी नीयत अच्छी है। हाँ बोलते नहीं बोलते, ये तुम्हारी नीयत में खतरा है। ये बात बोल के तुम जो है अल्लाह पर इल्जाम लगा रहे हो, याद रखो। अल्लाह ने जिसको बनाया, अला यअलमु मन खलक, जिसको अल्लाह ने बनाया वो नहीं जानता है क्या? तुम्हारी नीयत नबी की बीवियों और सहाबियात के मुकाबले में ज्यादा साफ है? अल्लाह ने नबी की बीवियां जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, मोमिनीन की माएं हैं, कभी किसी मोमिन से उनका निकाह नहीं हो सकता था, फिर भी उनसे कहा कि तुम पर्दा करो। अजीब तमाशा, क्या तुम उनसे बढ़ गए हो नीयत में? देखो नीयत अच्छी होने के साथ साथ काम भी अच्छा होना चाहिए। एक आदमी नीयत बहुत अच्छी है, क्या नीयत है? लोगों से, मालदारों से जबरदस्ती उसूल करके गरीबों में तकसीम करना, सवाब मिलेगा? चोरी डाका डाल के गरीबों में तकसीम करता, सवाब मिलेगा? नहीं। तो याद रखिए मेरे भाइयों, नीयत अच्छी होने के साथ साथ काम भी नबी के तरीके पर होना चाहिए। कुछ लोग बोलते दरूद ही तो पढ़ रहा है, गलत क्या है? कुरान की तलाश कर रहा है, कुरान खानी, गलत क्या है? गलत नहीं बोलते हैं। फातिहा तो पढ़ रहे हैं, गलत क्या है? अब उनको पूछो, ये सहाबा इकराम रोजे का इरादा किए थे, गलत क्या है? नमाज पढ़ने का इरादा किए, गलत क्या है? क्या गलत हुआ बोलो? इबादत में नबी का तरीका नहीं है, इबादत में नबी का तरीका जो नहीं है, इसीलिए नबी ने फरमाया फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरी सुन्नत से हट के काम करो, लाख इबादत कर लो, लाख तुम जो है अस्कार कर लो, तिलावत कर लो, नमाज रोजा हज ज़कात सदका खैरात अस्कार दावत तबलीग और पता नहीं क्या क्या कर दिए हो, नबी के तरीके पर नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। ये फलसफा हमें समझना है। तो ये कलीमा हमसे यही डिमांड कर रहा है, तकाजा इसका यही है, सारे शिर्क से बचो। पहले जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के देखो कहीं मैं शिर्क तो नहीं कर रहा हूं, अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह मुझे शिर्क से बचा ले, जाने अनजाने में जो शिर्क हो गया अल्लाह तू उसको माफ कर दे, शिर्क से बचा, शिर्क से बचा। अंबिया दुआ करते थे। हाँ तो पहले ये ढूंढो हमारी जिंदगी में शिर्क है क्या, पहले शिर्क से बचो। ये कलीमे का पहला डिमांड है। दूसरा, कलीमा हमसे कह रहा है अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। ये इस कलीमे का तकाजा है, इसका डिमांड है। इबादत क्या क्या है जो अल्लाह का हक है? इबादत क्या क्या है? शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो इबादत वो है हर जाहिरी और बातिनी आमाल जिससे अल्लाह राजी हो, खुश हो, वो क्या है? इबादत है। और वो सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, जाहिरी बातिनी, बातिनी यानी इंटरनल, तवक्कुल करना, भरोसा करना, नियत करना, मोहब्बत करना, हाँ ये सब क्या है? इंटरनल। फिर इसी तरह से एक्सटर्नल, रुकू करते, सजदा करते, दुआ करते, फरियाद करते, नजर नियाज करना, जबा करना, तवाफ करना, कस्में खाना, ये सारी बातें क्या है? इबादत है। मुसीबत को टालने के लिए फरियाद, फरियादी यानी जिसको गौस का, या गौस कौन है? गौसे आजम, गौसे आजम थोड़ी देर के लिए चौंक जाते नहीं,
गौसे आजम अल्लाह है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी वही गौसे आजम, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। याद रखो मेरे भाई भाइयों और बहनों के ये अब्दुल कादिर जिलानी इतने तौहीद परस्त इंसान थे, कूट कूट के तौहीद भरी हुई थी उनके अंदर, और आज लोगों ने उनको बना दिया। उनकी किताब गुनिया तो तालिबीन पढ़ें, उन्होंने दीगर फिरकों के बारे में कैसे बयान किया है, और शैतान उनको गुमराह करना चाहा। एक बार शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने एक वाकया जिक्र किया उनके किताब फतावे की किताब में, एक वाकया जिक्र किया है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह एक मरतबा रात में तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद पढ़ रहे थे, और उनका जो कमरा था रूम था डार्क था, एकाएक कमरा रोशन हो गया, मुनव्वर रोशन हो गया, और गायब से आवाज आई, अरे अब्दुल कादिर जिलानी मैं तेरा रब बोल रहा हूं, तूने आज तक इतनी इबादत की है, तेरी इबादतों से खुश होकर मैं आगे तेरी इबादतों को माफ कर दिया, आगे तुझे इबादत करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी कर ले जन्नत तेरे नाम। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा तू मेरा रब नहीं है, तू शैतान मरदूद कहीं का। हाँ, शैतान ने कहा तू तो मुझे पहचान गया अब्दुल कादिर जिलानी, तू तो मुझे पहचान लिया, लेकिन आज की रात मैं तेरे जैसे 70 इबादत गुजार को गुमराह करके आया, आज की रात तेरे जैसे 70 इबादत गुजार को गुमराह करके आया, क्योंकि उनके पास इबादत का जज्बा था मगर इल्म नहीं था। फालम, पहले इल्म हासिल करो। इमाम बुखारी ने बाप बांधा है अल इल्म कबल अल कौल वल अमल, आप अमल कर रहे हो अगर इल्म नहीं है तो अगर गलत अमल करोगे सवाब के बजाय उल्टा गुना मिलेगा बिदात करोगे तो, पहले इल्म, इसीलिए पहले इकरा पढ़ो इल्म हासिल करो, ये पहला पैगाम दिया गया है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी से शैतान ने कहा कि देख तेरे पास इल्म था और उन लोगों के पास इल्म नहीं था, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। क्या कहा? तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा शैतान तेरा पहला हमला तो जरा छोटा था, दूसरा हमला उससे भी खतरनाक है, तू पहले मुझे इबादत से रोकना चाह रहा था, हाँ तू मुझे पहले इबादत से रोकना चाह रहा था, लेकिन दूसरे हमले में जाते जाते तू मुझे शिर्क में मुब्तला करना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मुझे मेरे रब ने बचा लिया। अल्लाहु अकबर, देखो कैसी तौहीद थी उनके पास, और हम उनको बना दिए जो है गौसे आजम। गौसे आजम कौन है? अल्लाह है। ये सारी इबादतें अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह लफ्ज से अल्लाह खुद बता रहा है हर तरह के इबादत और बंदगी का खास हकदार कौन है? अल्लाह है। अब आइए आखिरी बात कि इसके डिमांड्स में से, इसके तकाजे में से यह है कि इस तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा और सिफात। ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, फिर कभी इंशाल्लाह तफसील के साथ मौका मिले तो समझाया जाएगा, क्योंकि कलिमा तौहीद का ये डिमांड है, ये तकाजा है कि हम तीनों तौहीद को अच्छी तरह से मालूम करें, तीनों तौहीद को अच्छी तरह से मालूम करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तीन तौहीद की तकसीम जो किए हैं ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब किए हैं, ये वहाबियों की बिदात, तौहीद की तकसीम तुमने क्यों किया? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गलत है, ये तौहीद की तकसीम अल्लाह ताला ने कुरान में ही किया है, अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। मैं आपको दलील दिए देता हूँ, सूरह मरियम एक ही आयत में तीनों तौहीद का जिक्र है, एक ही आयत में तीनों तौहीद का जिक्र है। अल्लाह तबरक ताला ने सूरह मरियम के एक आयत में फरमाया, देखो अल्लाह ये रब्बुस समावाति वल अर्थ, अल्लाह आसमान और जमीन का रब है, ये तौहीद रुबूबियत है, और कहा कि देखो वस्तबिर लि इबादती, अल्लाह की इबादत के लिए जम जाओ, ये तौहीदी इबादत है, और कहा देखो अल्लाह के बराबर समिया, कोई जो है अल्लाह के नाम के बराबर नहीं है, तो ये तौहीद अस्मा और सिफात। एक ही आयत में अल्लाह ताला ने तीनों का तस्किरा फरमाया है, एक ही जगह पर तीनों तौहीद का तस्किरा अल्लाह तबरक ताला ने फरमा दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई देखो ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने बनाया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। और एक बात याद रखिए, सूरह फातिहा अब देखेंगे शुरू में अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ इबादत व बंदगिया, ये क्या है? तौहीद उलूहियत, लिल्लाह ही अल्लाह के लिए, लफ्ज़ अल्लाह खुद बता रहा है हर तरह के इबादत के हकदार,
तौहीद उलूहियत, कौन है रब्बिल आलमीन, रब तौहीद रुबूबियत, अर्रहमान अर्रहीम अस्मा और सिफात है कि नहीं है, रहमान और रहीम है। तो ये जो बता रहे हैं कि बिदात है, गलत बात है, तीनों तौहीद, तौहीद रुबूबियत का मतलब होता है तौहीद जात, यानी अल्लाह की जात के ताल्लुक से तौहीद का मतलब पहले समझना, यानी सिंगलिंग, सिंगलिंग यूनिक, अल्लाह की तरह कोई नहीं किसी भी चीज में, अल्लाह की जात, अल्लाह के अफाल में। और एक बात याद रखो, तौहीद रुबूबियत ये अल्लाह के काम, अल्लाह के अफाल बंदों के लिए, तौहीद उलूहियत ये बंदों के काम अल्लाह के लिए, बस समझ में नहीं आई, तौहीद रुबूबियत ये सब अल्लाह के काम है, अल्लाह रब है ना, और रब के अंदर तीन माने होते, याद रखो, जिसके अंदर तीन औसाफ है वो रब है, एक खालिक मालिक मुदब्बिर कायनात, पैदा करने वाला, हर चीज का मालिक, हर चीज का खालिक, पैदा करने वाला, हर चीज को ऑपरेट करने वाला, तदबीर करने वाला, देखभाली करने वाला, जिसके अंदर ये तीन औसाफ है वो रब होता है। कायनात को बनाया है, रोजी रोटी देता है, जलाता है, मारता है, हवा पानी सर्दी गर्मी ये सारी कायनात का निजाम है, खालिक मालिक मुदब्बिर ये रब है। ये काम किसके काम है, सब अल्लाह के काम, किसके लिए है, बंदों के लिए, पैदा किया, जलाता है, मारता है, सूरज को तुलू करता, सर्दी गर्मी बारिश हवा जो फिजा कायनात, सारे काम किसके हैं, अल्लाह के बंदों के लिए। और ये काम, इस काम में कोई अल्लाह का शरीक नहीं है, अल्लाह जैसे कर सकता कोई और नहीं कर सकता है, ये तौहीद रुबूबियत का मतलब होता है। अल्लाह जैसे पैदा करता कोई और नहीं कर सकता, अल्लाह जैसे मारता जलाता कोई और नहीं कर सकता, अल्लाह जैसे तदबीर करता कोई और नहीं कर सकता है, याद रखो। तौहीद उलूहियत बंदों के काम अल्लाह के लिए, वो क्या है, उसका दूसरा नाम तौहीद इबादत, यानी हर तरह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। इबादत कौन करते हैं, मखलूकात, ये मखलूकात का काम खालिक के लिए, तौहीद रुबूबियत खालिक के काम मखलूकात के लिए, उलूहियत मखलूकात के इबादत अल्लाह के लिए, बस समझ आ रही। और उसके बाद अस्मा और सिफात, अस्मा और सिफात, अस्मा इसम की जमा अस्मा जिसके माने नेम्स, सिफात जिसके माने क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला के जो अस्मा और सिफात हैं, अल्लाह के नाम है, जैसे अल्लाह ताला के जो नाम है, कितने नाम है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला के बेशुमार नाम है, कितने नाम है हम जानते ही नहीं है, वो 99 नेम्स एक हदीस में है, उसका मतलब यही नहीं कि इतने ही है, हसर नहीं है, यानी उन 99 नेम्स की ये फजीलत है कि मन अहसा दखल जन्ना, जो याद कर ले उनके मफहूम को समझे और जो अच्छी तरह से उन पर अमल करे वो जन्नत में जाएगा, ये इन नाम की फजीलत है। उसका मतलब ये नहीं कि 99 ही है, अल्लाह के इतने बेशुमार नाम हैं। उसकी दलील देखो, एक प्यारी दुआ है, नबी ने दुआ सिखाई है मुसीबत परेशानी तकलीफ के लिए, बेहतरीन दुआ नबी ने कहा यह दुआ पढ़ो तकलीफ के वक्त में, क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमातिक नासियति बियदिक मादिन फिया हुक्मन अदलुन फिया कदाउक अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक, वो तेरे सारे नाम के साथ अल्लाह मैं मांगता हूं जो तूने अपने लिए रखा है, क्या क्या हमें पता नहीं है, जो तूने किताबों में नाजिल किया या किसी बंदे को सिखाया या इस असर तब जिसको तूने इल्मे गायब में उठाकर रखा, तेरे गायब के पास नाम है वो कितने हैं अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर। और एक जगह ला ओसी हा, हम उनको शुमार ही नहीं कर सकते इतने नाम अल्लाह के हैं। ये अल्लाह के नाम जो है ना, अब अल्लाह के नाम में और सिफात के बराबर कोई नहीं है, उसके लिए कोई मिसाल नहीं देना। जैसे अल्लाह भी हंसता है, अल्लाह गजबनक होता है, अल्लाह उतर के आता है ना, ये सब है ना। तो अब जैसे हम हंसते अल्लाह वैसे हंसता, नाउज बिल्ला नहीं, मिसाल नहीं। अल्लाह के आसमा और सिफात के ताल्लुक से ये तीन बातें याद रखना, तीन चार बातें, एक ना उनके ताल्लुक से सवाल करना कैसे, ना कैफियत पूछना, ना कैफियत पूछना कैसे, ना मिसाल देना जैसे, जैसे ऐसा मिसाल भी नहीं, और ना इनकार करना यानी तातील, और वो भी इनकार भी नहीं करना, और ना ही तहरीफ और ताबील करना है, ताबील भी नहीं यानी हेर फेर, कैसे करते हेर फेर, मानो
आप लोग आमतौर से इससे पहले तर्जुमा पढ़ते थे तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके जिसके कब्जाए कुदरत में, हाँ कब्जाए कुदरत में, ये तर्जे तावील है याद रखो, अल्लाह ने हाथ कहा हाथ ही बोलना है, जिसके हाथ में बादशाहत है, कब्जाए कुदरत बोलना, हाथ से मुराद ये है वो है, ये तावीलात नहीं, अल्लाह मजाक करता नहीं, उसका मतलब ये है ऐसा नहीं, याद रखो कि अल्लाह ने जो अपने लिए बयान किया हमें वही माना बयान करना है, हेर फेर नहीं करना, तावील नहीं करना, तातील का मतलब इनकार भी नहीं करना, और ऐसा नहीं कि उसके तमसील मिसाल देना है और ना ही उसके ताल्लुक से अब सवाल करना है, बल्कि मिनो अन जैसे अल्लाह के शायन शान है, अल्लाह कैसे अर्श पर मुस्तवी है अल्लाह बेहतर जानता है, ना एक बादशाह जैसे थ्रोन पे बैठा होता सामने पैर रखता, अगर आपने ऐसे किया, इसी लाल इल्म ने लिखा है जो लोग अल्लाह का अस्मा सिफात का इनकार करते हैं वह हम याबुदूना सिफारा, वो क्या करते सिफर की इबादत करते हैं कुछ नहीं, जो लोग मिसाल देते हैं तशबीह देते हैं तमसील मिसाल देते हैं वो हम याबुदूना सनामा, वो क्या करते बुत की इबादत करते हैं, याद रखो अल्लाह के ताल्लुक से कोई नहीं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, फला तद्रिबु लिल्लाहिल अम्थाल, अल्लाह के लिए मिसालें नहीं देना है। तो ये हुआ अल्लाह तबरक ताला के जो ये कलिमा तैयबा के डिमांड में से पहला यही है कि उलूहियत रुबूबियत अस्मा और सिफात को तफसील के साथ हमें मालूम करना चाहिए, इस सिलसिले में लंबी बातें होती है, अस्मा और सिफात में बहुत सारे लोग भटक गए बहक गए, इसमें हमें खुसूसी नॉलेज हासिल करना है। सलफ अस्मा और सिफात के लिए बहुत जोर दिया करते थे, बच्चों को याद कराते थे कि उसमें आप अस्मा और सिफात के नॉलेज आए अल्लाह से मोहब्बत आएगी। उसके बाद आइए आखिरी बात यह है कि इस कलीमे के जो डिमांड्स हैं तकाजे हैं इनमें से ये भी हैं कि इस करीमे को अदा करते हुए निभाते हुए जो तकलीफ़ें आए उन तकलीफ़ों पर हमें सब्र करना है और अल्लाह ताला के लिए हमें इस रास्ते में कुछ कुर्बानियाँ देना है, ये भी इसके डिमांड्स और तकाज़ों में से हैं। और इसी तरह से इसके तकाज़ों में से ये भी हैं कि अल्लाह की ही खालिस इबादत होनी चाहिए। और इसके आमतौर से अहले इल्म ने इसके पाँच तकाज़े बयान किए हैं, चौथा तकाजा यही है कि अल्लाह ताला के शरीयत के मुताबिक हमें जब तक मुमकिन हो जहाँ तक मुमकिन हो अमल पैरा हो। और इसी तरह से पांचवी बात यह है कि जैसे अल्लाह के रसूल के और अल्लाह ने जो हमें अखलाक बताए हैं वो अखलाक हमें दिखाना चाहिए, वो अखलाक और किरदार हमें दिखाना चाहिए कि एक जैसे नबी रहमत के उम्मती रहमत बन के जीना चाहिए। अल्लाह अपने तारूफ में सबसे पहले कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह के नाम के साथ शुरू कुरान जो पढ़ने जा रहे हो कौन है वो रहमान और रहीम है, लिहाजा तुम अल्लाह ताला के जैसे रहम करम वाले बनकर जियो, अच्छे अखलाक और किरदार वाले होना चाहिए। अफसोस के पास साथ कहना पड़ता आज जिन लोगों के पास अच्छा अकीदा है उनके पास अखलाक नहीं है, जिनके पास अच्छे अखलाक हैं उनके पास अकीदा नहीं है। ये जरूरी है, अखलाक का ये अकीदे का ये तकाजा है, डिमांड है कि तुम्हारे अखलाक भी अच्छे होना चाहिए। अकीदा ये अंदरूनी चीज है, अखलाक उसके जाहिरी मजाहिर हैं, जाहिर हैं, इसी से अखलाक से ही आप पहचाने जाएंगे। इसीलिए मैंने हाफिज साहब से भी कहा था कब वो आयतें पढ़ो, मैं उससे खत्म करता हूं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह को रब मानने के बाद इस रास्ते में तकलीफ आए कुछ भी आए डट जाओ जम जाओ, फरिश्ते आएंगे खुशखबरी देंगे बशारत देंगे जन्नती है, और कहा कि अमन अहसन कौला मिम्मन दआ इलल्लाह वो अमिला सालिहा व कौल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इसकी तरफ जो बुलाए ये कलीमे का डिमांड है तकाजा है, उसकी बात अच्छी होती है और वो खुद नेक अमल करता है और कहता है कि मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो, मिसाली किरदार हमारा और आपका होना चाहिए। तो रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।